थोड़ा सा भी मैं मेरा स्कूल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसा है? माय नेम इज सुजन मंडल, वेलकम बैक टू माय चैनल राइट आर्टिस्ट 56। फाइनली दिन आ गया है, आज करेंगे हम स्कूल टूर। बट उसके पहले मैं बता दूं कि अभी मैं मेरे स्टूडियो में हूँ। 7 to 8 का मेरा फिटनेस बैच होता है, मंडे वेनेसडे फ्राइडे। तो 7 to 8 का बैच खत्म करके मैं जाऊँगा घर पे, फिर 11:30 मेरे को पहुँचना है स्कूल। सो काफ़ी चीज़ों का रिस्ट्रिक्शन है, बट फिर भी मैं ट्राई करूँगा कि आपको जितना मैं स्कूल का पार्ट दिखा सकूँ उतना दिखाऊँगा। एंड आई होप आपको ये व्लॉग में भी मजा आएगा। और मैं आपको बता दूं, वी हैव क्रॉस्ड 170 सब्सक्राइबर्स गाइज, एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके कर दो फटाफट। तो अभी ये क्लास स्टार्ट करते हैं और आपको ये क्लास का थोड़ा सा झलक बता देता है, फिर उसके बाद चलेंगे घर पे एंड देन आपको कराएंगे स्कूल टूर। तो फाइनली क्लास हो गया खत्म, अब चलते हैं घर पे और थोड़ा ब्रेकफास्ट करके फिर 11:30 पहुंचना है स्कूल। और अभी टाइम हो रहा है 8:19, तो चलते हैं घर पे। ओके, तो फाइनली पहुंच गए अभी हम लोग। अभी बाइक पार्क करते और चलते हैं घर। तो उसके पहले बता दूं आपको टाइम कितना हुआ है, 8:45। ओके, तो फाइनली घर पे पहुंच चुका हूं मैं। अब थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और ज्यादा सा ब्रेकफास्ट करेंगे, क्योंकि मेरा ब्रेकफास्ट थोड़ा हैवी होता है।
फिर उसके बाद 11:30 को पहुंचेंगे स्कूल, तो तब तक के लिए आई विल सी यू गाइस ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। ओके तो मैं हो गया फाइनली रेडी और टाइम हो रहा है 11:41 और मैं ऑलरेडी लेट हो गया, मेरे को 11:30 बजे पहुंचना था, तो अभी चलते हैं फटाफट। ओके तो अभी मैं स्कूल के अंदर पहुंच चुका हूँ और मैं बात बताना भूल गया हूँ, जो थर्ड को इवेंट था जो फादर का बर्थडे का परफॉर्मेंस के लिए रेडी कर रहे थे हम लोग, वो पोस्टपोन्ड होके आज है जो कि है 14th और आज बच्चे परफॉर्म करने वाले। फाइनली मैं क्लासरूम में पहुंच गया हूँ, ब्लैक बोर्ड दिखता होगा पीछे, मैं भी यहाँ पे हूँ, किड्स भी यहाँ पे, हाय बोल दो किड्स। हाय। ओके तो अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि आपको कलरफुल बोर्ड दिखते रहेंगे यहाँ पे जो कि है रेड ब्लू येलो एंड ग्रीन, तो ये बता दूँ कि हर एक स्कूल में होता है ये, तो मैं बिलोंग करता था येल्लो हाउस से, तो ये हाउसेज है रेड हाउस ब्लू हाउस येल्लो हाउस एंड ग्रीन हाउस। वैसे तो आज स्कूल टूर का दिन है तो आपको जितना हो सकेगा उतना दिखा दूंगा एंड बाकी का बाहर का जो है वो मैं बाद में आपको बताऊंगा, पहले ये इवेंट ख़त्म करके फिर मैं आपसे मिलता हूँ वापस। ये कौन सा सर है जो आप चड्डी में आया? तो इसने जो लिखा है यहाँ पे क्या ये सही है? गलत है, पूरा गलत है। देख तो अभी ये जो लिख रहा है इसका डैडी खुद टीचर है जो ट्यूशन वगैरह लेता है। हाँ, अरे हाँ, सही है, यही है सर, सर हो गया। चल अभी तू बता क्या ये सही है? ये सही है, मैंने किया है ये सब। थोड़ा सा अभी मैं मेरा स्कूल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, तो पहले मैं आपको बता दूँ ये जो आपको दिख रहा है टेबल, ये टीचर्स लोग आके यहाँ पे बैठते हैं एंड ये बोर्ड आप लोगों ने देख लिया है, एंड आपको बता दूँ ये कबर्ड जो होता है इसका की कबर्ड मोनिटर के पास जो कि मैं था और क्लास का मोनिटर भी मैं था एंड येल्लो हाउस का भी कैप्टन मैं था, मतलब एट द सेम टाइम हाँ, और हमने बहुत मज़ा किया हमारे स्कूल टाइम पे। एक एक एक्ट करते एक एक्ट करते, ठीक है? ओके टीचर का हेयर स्टाइलिंग हो रहा है। ओके सो अभी ये बना है टीचर और ये बना है नॉटी स्टूडेंट। रेडी रोल कैमरा एक्शन। सर ये बच्चे बाद में आए, इसका क्या करना है? गाइस तुम लोग ने स्पॉइल कर दिया, हटो बैठो बैठो। परफॉर्मेंस से पहले तो प्रेयर बनता है, लेट्स सी ये लोग कैसे परफॉर्म करता है। Nice performance kids. Smile कर दो, थोड़ा smile कर दो. Position guys. फटाफट आ guys. चलो guys all the best. ठीक है? Thank you. It's her father's day. Is this her day? Oh really? So we have to do something special for him.
ओके तो फाइनली परफॉर्मेंस इनका खत्म हो गया। बच्चे लोग इससे ज़्यादा मैं नर्वस था कि पता नहीं क्या हो क्या नहीं, और एक्चुअली स्टेज बहुत स्लिपरी था, बट एनी वेज बच्चे लोग ने बहुत अच्छा किया परफॉर्मेंस एंड एवरी वन वॉज लाइक गुड। और ये जूली मिस कौन है? नहीं मैं व्लॉग करता हूँ ना हाँ हाँ ओके तो अभी हम चलेंगे, अभी हर एक परफॉर्मेंस का एंजॉयमेंट लेंगे एंड हमारा तो हो गया परफॉर्मेंस, तो अभी चलते हैं ऊपर। तो ये परफॉर्मेंस करके हो गया खत्म, अभी बच्चे लोग यहाँ पे बैठे हुए, तो उनसे पूछ लेते हैं कि उनको कैसा लगा परफॉर्म करते हुए। ओके तो बताओ किड्स कैसा लगा परफॉर्म करते हुए? तो अभी तुम लोग स्कूल टूर करा देते और मैं यहीं मिलता हूँ आपसे। तो अभी ये लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, मतलब ये लोगों को प्रसाद मिला। तो अभी ये लोगों को ब्रेकफास्ट मिला है, खत्म भी हो गया खा के। तो चलते फटाफट और स्कूल टूर करते। ओके तो फटाफट आपको स्कूल टूर कराते हैं, और जितना होगा जैसे कि मैंने पहले बोला था जितना होगा उतना ही बताएंगे, क्योंकि ये बंद है अभी, यहाँ पे लॉक लगा हुआ है, तो अभी फिलहाल ये नहीं बता पाएंगे। तो अभी हमारा ये टूर गाइड है स्कूल का, जब मैं था यहाँ पे और अब बहुत चेंज हो चुका है चीज़ें, तो एक टूर गाइड चाहिए जो कि स्कूल का, इसका नाम भाई नाम बता दे, आयुष, आयुष नाम है इसका। तो अभी हम लोग नीचे आ गए और यहाँ पे सब टेंथ के डिवीजन है, तो ये आप देख सकते हो सब टेंथ ब्लॉक है और बाहर का व्यू ये है। ओके तो अभी क्लासरूम मतलब सब बंद ही पड़ा है, तो मैं आपको दिखा नहीं सकता है ना, तो सब क्लासरूम सेम ही है, तो आप लोग ने देख ही लिया होगा। एंड वो उधर क्या है कोने में, अच्छा पीटी रूम है, सब बंद ही है, लॉक लगा हुआ है। तो अभी ऊपर वो स्केलेटन वाला रूम का है, तो अभी आयुष बोल रहा है कि ऊपर स्केलेटन मिल सकता है लैब में, तो अभी देखते हैं। लॉक है ना, ओ देख लो भाई, ये लैब टू ये लॉक है, तो कोई बात नहीं, अभी हम लोग चलते हैं नीचे और नीचे का तो प्रिंसिपल रूम एक्सेट्रा जो भी है मैं आपको बताता हूँ। अभी एक नौ हो रहा है 19 एंड ये प्रिंसिपल रूम है। लाइब्रेरी भी बंद है और टीचर्स रूम में कोई नहीं है क्योंकि सब टीचर्स ऊपर है। ओके तो सेकेंडरी के क्वार्टर एंगल में है हम लोग, तो अभी आप लोग देख लो थोड़ा व्यू। तो आप लोग ने देख लिया रहेगा सेकेंडरी का, अभी हम चलते हैं प्राइमरी सेक्शन, बट उसके पहले हम आपको दिखा देंगे ये चर्च जो कि आपने पहले भी देखा है। ओके यहाँ से भी गेट खुला है। तो आपको मैं यहाँ पे तीन चीज़ें बताने वाला हूँ, एक है प्राइमरी स्कूल, खाली बाहर का व्यू दे दूंगा, और ये जो आप ट्री देख रहे हो ना तो इसके पीछे भी एक स्टोरी है वो, एंड पहले आपको मैं दिखा देता हूँ ग्राउंड, और चौथी चीज़ ये है ग्रेवयार्ड, तो इसके अंदर हम जाएंगे नहीं, तो आपको मैं ग्राउंड दिखा देता हूँ। पहले हम यहाँ पे बास्केटबॉल खेलते थे, अब पता नहीं कोई यूज़ ही नहीं करता इधर, नहीं करता अभी, यहाँ पे वॉलीबॉल खेलते हैं। तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ग्राउंड, और जब हम यहाँ पे खेलते थे तो यहाँ पे सब बैठ के चेयर अप करते थे, तो ये पूरा सेक्शन है और वो वहाँ पे भी सब बैठते थे आराम से, और यहाँ पे फुटबॉल खेलते थे हम लोग, तो इसका भी थोड़ा मज़ा ले लो। बहुत बड़ी ग्राउंड है, और अभी तुमको प्राइमरी स्कूल का थोड़ा व्यू दे देता है। ओके तो चलो मैं आपको ये बैनियन ट्री के बारे में बताता हूँ। तो ये बैनियन ट्री 200 साल पुराना था, और ये लॉकडाउन में स्टॉर्म आने के कारण ये ट्री गिर गया, और बहुत दुख हुआ था हम लोग जब हमको ये पता चला था कि बैनियन ट्री गिर गया है। अभी फिर से प्रोसेस चालू है, आप देख सकते हो ये काफ़ी बड़ा हो गया है लॉकडाउन के बाद से,
तो आपको ये बता देता हूँ कि ये जो आपको पत्थर दिख रहा है ना सब, तो यहाँ पे एक मस्त बनाया था बैठने के लिए, तो हम शैडो में बैठते थे यहाँ पे, यहाँ पे हम फुटबॉल खेलते थे, वहाँ पे डांस प्रैक्टिस करते थे स्टेज के पास। तो काफ़ी सारी मेमोरीज है, और आयुष के पास भी एक ऐसा मेमोरी है जो वो अभी बताने वाला है। ओके, अभी क्या हुआ था, जब स्कूल हम लोग का, मैं सेकेंड में था, फिफ्थ स्टैंडर्ड में कुछ, तो और तभी 1 बजे छुट्टा था, और मेरा भाई जो है वो इधर प्राइमरी में सीखता था, तो उन लोग का 1:30 को छुट्टा था, तो मैं मेरे दोस्त लोग सबको जमा करता था उधर चर्च के इधर, और बोलता था पकड़ा पकड़ी खेलने के लिए, फिर इधर जाके झाड़ के ऊपर लटक के छुप चढ़ के हम लोग छुप जाते थे। अच्छा, मतलब वो लटकने वाला होता था, पकड़ ही नहीं पाते थे हम इस रूट को पकड़ते थे, ये जो रूट आप देख रहे हो ना, तो हम लोग भी उसी रूट को पकड़ के सीधा ऊपर तरफ चढ़े, कोई और चढ़ नहीं पाता था, और मज़ा आता था, मतलब काफ़ी मिस करते हैं उसको। एंड मैं भी रेगुलरली यहाँ पे आता नहीं हूँ, तो यहाँ पे धूप बहुत लग रहा है और बहुत स्वेटिंग हो रहा है यहाँ पे, तो टाइम बता देता हूँ 1:17 हो रहा है, और तो मैं हुडी पहन के आया था, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है। और ये व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, और ये व्लॉग और स्कूल टूर आपको अच्छा लगा है तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलना गाइस, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। जब जब मेरा वीडियो अपलोड होगा तब तब आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो टिल देन स्टे सेफ, स्टे हम्बल, स्टे ओके। तो फाइनली मैं क्लासरूम में आ गया, और पीछे मेरे ब्लैक बोर्ड है, और बच्चे भी मिल गए ओके, टिल देन स्टे सेफ, स्टे अगेन सो टिल देन स्टे, अरे यार